Hello everyone, this is Priya. You are welcome to AA Shah's Young IS. कैसे हो आप सब? और बच्चों, आज हम सीख रहे हैं आठवीं कक्षा की मराठी का पाठ आम्ही चालू हा पुढ़े वारसा। और ये कविता जो है इसे लिखा है प्रसिद्ध मराठी कवि, साहित्यिक और गीतकार जगदीशजी खेबुड़कर। इनका आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इन्होंने तकरीबन 325 मराठी फिल्म्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग किया है और सॉन्ग्स राइटिंग किए हैं। और इनके ये काम के लिए इनको मराठी में जो अचीवमेंट्स वाले हैं, साहित्य सम्राट पुरस्कार, वी शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, एक ऐसे कई सारे अवार्ड्स और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो चलो हम देख रहे हैं जगदीशजी खेबुड़कर इनकी आम्ही चालू हा पुढ़े वारसा। कविता का नाम तो हमने पढ़ लिया, बट क्या है इस कविता में? तो ये जो कवि है, ये हमारे जो गुरु है, उन्होंने जो हमें सीख दी है, ये सीख क्या हम लोग जो धरोहर है, जो वारसा है, वो आगे चालू रखने का उनको प्रॉमिस कर रहे, उनको अश्योर्ड कर रहे हैं। सो अभी आप हमें बताइए कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हमारे गुरु का क्या स्थान है और हमारे कितने गुरु हैं, कोई बता सकता है? और हमारे सबसे पहले गुरु, करेक्ट, पहली गुरु, द फर्स्ट टीचर इज आवर मदर, हमारी मम्मी, आई, यस, माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु है। और उनके बाद है हमारे टीचर्स, जो हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। आपको भी आपके टीचर्स पसंद है ना, जो आपको बहुत सारी कहानी सुनाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं। आज हम भी अपनी टीचर, हमारी टीचर्स हमें जो सिखा रहे हैं, वो सीख हमें कैसे लेनी है, हमारे जीवन में उसका कैसे उपयोग करना है और हमारा लाइफ, हमारा जीवन कैसे समृद्ध करना है, वो देखेंगे। और हम अपने गुरु को, अपने टीचर को अश्योर्ड करेंगे कि वी आर प्रोमिसिंग टू यू टीचर, आचार्य, हम आपको प्रोमिस कर रहे हैं कि हम जो आप हमें अच्छी सीख दे रहे हो, वो सीख से आपका और हमारा नाम दुनिया में रोशन करेंगे। तो चलो आगे चल के देखते हैं पूरी पोयम। ऐका, वाचा आणि म्हणा, लिसन, रीड एंड सिंग। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा। पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षा तळी सावली। तुम्ही सूर्य अम्हा दिला कवडसा, आम्ही चालू हा पुढे वारसा। तो देखो बच्चों, हमारे जो गुरु है, हमारे जो टीचर है, जिनके पास ज्ञान का बहुत सारा भंडार है, आपको पता है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो टीचर को पता ही नहीं है। टीचर को तो सब चीज़ पता होती है ना। हमारे टीचर्स हमारे सब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो माता पिता है, हमारे जो गुरु है, हमारे जो फ्रेंड्स है, वो सब हमें किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ तो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें कौन से डे पे विश करते हैं, आपको पता है? गुरु का दिन कौन सा है? एनी गेसेस? अभी कोई बोलेगा टीचर्स डे, कोई बोलेगा गुरु पूर्णिमा। यस, टीचर्स डे और गुरु पूर्णिमा को तो हम टीचर्स को विश करते ही है, बट गुरु का दिन, वैसे तो हर ही दिन गुरु जी का होता है, क्योंकि वो हर दिन हमें नई नई कुछ तो नॉलेज देते, बट गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये जो श्लोक है,
यो श्लोक में हमारे गुरु जो है उनको उन्हों को हमने बताया है कि गुरुजी आप ही मेरे माता पिता, मेरे बंधु यानी कि मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे स्नेही, मेरे भ्राता, मेरे फ्रेंड्स, सब कुछ आप हो, सब कुछ आपसे शुरू होता है। देखो आपके टीचर्स भी तो आपके मम्मी पापा की तरह ही आपको प्यार करते हैं, डांटते हैं, है ना। कभी कभी तो टीचर पनिश भी करती है, और कभी कभी फ्रेंड्स के जैसे आपके साथ खेलती भी है, कोई सीक्रेट्स आपको बताती है, मैजिक सिखाती है। तो वैसे ही जैसे टीचर इज लाइक सब रिलेशन एक ही, टीचर मम्मी की तरह प्यार भी करती है, टीचर पापा की तरह हमें स्ट्रिक्ट भी रहती है, फिर फ्रेंड्स की तरह हमारे साथ मस्ती भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, हमारे साथ खेलते भी है। हमारे पीटी टीचर्स, आर्ट टीचर जो हमें ड्राइंग सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, मतलब जो गुरु है वो गुरु इज़ लाइक कल्पवृक्ष। ऐसे बच्चों ऐसे कहते हैं कि जो कल्पवृक्ष है ये एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा ट्री है कि जिसके नीचे आप बैठो और एक विश मन में रखो, एक इच्छा मन में रखो और वो विश आपकी पूरी हो जाए। ऐसे हम हमारे गुरुजी को जो भी बताएंगे, जो भी विश हम रखते हैं हमारे मन में, हमारे गुरुजी हम पूरी कर देते हैं। तो ऐसे लगता है कि हम ये कल्पवृक्ष की छाया में बैठे हैं हमारे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए। और ये हमारे जो गुरु है वो इट इज़ लाइक द रियल सन। सन अभी आप तो कहोगे तो सन तो सिर्फ दिन में ही आता है और सिर्फ शाइन करता है, तो यस हमारे गुरु भी वैसे ही शाइन करते हैं। कैसे शाइन करते हैं, कैसे शाइन करते हैं? गुरु शाइन करते हैं उनके ज्ञान से, और वो अपने ज्ञान की रोशनी देते हैं हमें। रे ऑफ अ ग्लोरी, कवड़ सा एक छोटा सा रोशनी का किरण है ना, जिससे हमारी पूरी जिंदगी एकदम बाहरदार हो जाती है, रंगीन हो जाती है। और हमारा जो अज्ञान है, जो हमें कुछ बातें पता नहीं होती, वो हम धीरे धीरे करके सीख जाते हैं। और जब हम स्कूल में जाते हैं हमें कैसे पता होता है कि स्टोरी कौन सी है या फिर लेटर्स कैसे लिखने हैं, बट डे बाय डे हम सब सीख जाते हैं। क्या होता है, हमारा जो अज्ञान है, जो हमारे लाइफ में अंधकार उसे कहते हैं, वो ज्ञान की रोशनी से दूर चला जाता है। और हम डे बाय डे, दिन ब दिन हमारे ज्ञान की रोशनी, हमारे ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। देखो जैसे ग्रेड वन में आप सिर्फ लेटर्स पढ़ना सीखते हो, लिखना सीखते हो, फिर थोड़े दिनों बाद जैसे ही आपका एक एक ग्रेड बढ़ता जा रहा है आप स्टोरी रीड करते हो, स्टोरी बताते हो ओरली, फिर कई दिनों बाद आप लेटर्स लिखते हो, तो ये इम्प्रूवमेंट होती है ना आपकी। तो इसमें ये आपके ये इम्प्रूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हमारे गुरुजी, जो हमें हर रोज़ थोड़ा 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 ज्ञान देते हैं, है ना। तो इसी तरह हमारे माता पिता, बंधु यानी हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स, सबका रोल इट इज़ लाइक कल्पवृक्ष की तरह गुरुजी यानी कि हमारे गुरु, हमारे टीचर्स प्ले करते हैं। जिथे काल अंकुर बीजा तले, तिथे आजवेली वरी ही फुले, फलद्रूप वावा हा वृक्ष तसा। देखो अभी यहाँ पे ये जो कवि है इन्होंने बोला है कि गुरुजी हम जो आपके बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वी आर लाइक अ सीड, हम एक छोटे से बीज की तरह है जिसको सॉइल में आपने बरीड किया, आपने सॉइल में ज़मीन में बीज रख दिया, उसको आपका ज्ञान का, आपके प्यार का, आपके लव अफेक्शन केयर नॉलेज का आपने पानी दिया, रोशनी दिया, और धीरे 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 हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया, हमारा ज्ञान बढ़ते गया, और ये हम छोटे छोटे सीड्स से
हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो है एक छोटे से प्लांट में। अभी हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं और आगे चल के हम बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई सिंगर बनेगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा। बट आप हमको याद रखेंगे, हम आपकी दी हुई सीख नहीं भूलेंगे। देखो बच्चों, जैसे आप सचिन तेंदुलकर, आपको पता है वो इतने ग्रेट क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टीचर। उनके जो गुरु थे रमाकांत आचरेकर जी, उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना सिखाया, अपना स्किल उनको दिया। एंड देन अभी देखो, कौन है ऐसा जो नहीं पहचानता सचिन तेंदुलकर को? वैसे ही गुरुजी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि एक दिन जब हम बड़े हो जाएंगे, हम भी आपका नाम दुनिया में चारों ओर फैलाएंगे। कैसे फैलाएंगे? हमारे परफॉर्मेंस से, हमारे काम से। हम इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि सब आपको ऑनर्ड करेंगे और आप भी हम पे प्राउड फील करोगे, है ना? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मम्मी पापा, हमारे टीचर हमें शाबाशी देते हैं कि नहीं? प्राउड फील करते हैं, है ना? और फिर हम उनसे कोई गिफ्ट भी मांग लेते हैं। चलो आगे देखेंगे। शिकु धीरता शूरता वीरता, धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो असा। हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक की पढ़ाई ही करनी है तो टेक्स्ट बुक की पढ़ाई करके तो हम लोग सिर्फ नॉलेज लेंगे, बट हाउ टू बिहेव, कैसे बर्ताव करना है, कैसे उठना बैठना है, कोई रहने का ढंग तरीका हमें सीखना है, वो भी हम आपसे सीखेंगे। हमारे लिए तो आप आइडल हो, आपसे हम करेज लेते हैं, शूरता ब्रेवरी लेते और वीरता लेते हैं। हमारा जितना भी ज्ञान बढ़ता है, हम जितना भी नॉलेज ले रहे हैं, हम एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। बट हमें ये भूलना नहीं है कि हम सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं, उसके साथ हमें अच्छाई और सच्चाई भी रखनी है और सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है। ऐसा नहीं कि स्कूल में पहला नंबर आया तो भाई मेरा पहला नंबर आया बस, अभी मैं किसी को हेल्प नहीं करूँगा। नहीं, ये नहीं करना है। उल्टा, आपको सब आ रहा है तो आपको आपके फ्रेंड्स को हेल्प करनी है। कोई अगर आपका फ्रेंड्स स्टडी में पीछे है, जिसको कोई सम नहीं समझ में आ रहा है, कोई डिफ़िकल्टीज है, तो आप खुद होके उसको हेल्प करेंगे, है ना? आप पोलाइटली बिहेव करोगे सबके साथ, आपके बड़ों के साथ, न कि सिर्फ बड़ों के साथ, बच्चों के साथ भी, जो आपसे कम उम्र में आपके छोटे भाई बहन हैं, है ना, उनके साथ भी आप अच्छे से बिहेव करोगे तो इसकी वजह से भी आपको सब अच्छा कहेंगे, आपकी सब प्रशंसा करेंगे, है ना? जो अच्छा बर्ताव नहीं करता, जो हर वक्त सबके साथ झगड़ा करता है, जो अरोगेंट है, वो स्टूडेंट किसी को अच्छा लगता है क्या? आपका भी अब कोई फ्रेंड्स अगर आपके साथ झगड़ा करे तो आप उसे पसंद करते हो? नहीं भाई, मैं तो नहीं पसंद करूँगी। आप पसंद करोगे? किसको अच्छा लगेगा झगड़ा करना, अरोगेंटली बिहेव करना, उल्टा बोलना, मारामारी करना? नहीं, बट जो अच्छे से सुनता है, जो बच्चा सबकी सुनता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, वो तो सबको अच्छा लगता है, जो सबके साथ मिलजुल के रहता है। तो हमें भी क्या करना है, हमें अपना ज्ञान तो बढ़ाना है और उसके साथ हमारे मन में, हमारे दिल में सबके लिए अच्छाई, काइंडनेस, वी शुड बी काइंड फॉर एवरीवन ना। हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करने चाहिए और ये सीख हमारे गुरुजी हमको देते हैं। कैसे देते हैं? देखो, क्लास में कई तरह के बच्चे, बट हमारे जो सर या फिर टीचर है, जो मैडम है, वो तो सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। वो कोई बच्चा अगर मस्ती करे तो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, ऐसे तो नहीं होता ना, सबको प्यार करती है।
जैसे मैंने आपको कहा था कि मम्मी की तरह प्यार करती है, पापा की तरह स्ट्रिक्ट रहती है, फ्रेंड्स की तरह आपको सजेशन देती है, आपके साथ खेलती है कि नहीं। फिर हमें भी अपने टीचर की तरह आइडियल बनना है और हमें अपने टीचर से ये सीख लेनी है। चलो तो अभी हम अगला देखेंगे। तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या माणसा। यही तो है पूरे पोएम का मीनिंग कि आपके जो टीचर्स है, नॉट ओनली टीचर्स, आपके मम्मी पापा भी, जो गुरु है, देखो हर एक जो हमें कुछ अच्छा सिखाता है वो सब हमारे गुरु ही होते हैं, चाहे वो हमसे छोटे हो चाहे वो हमसे बड़े हो। तो ये जो हमें सीख मिलती है हमारा लाइफ अच्छा करने के लिए, तो ये इनका सैक्रिफाइस है, ये इनका सेवा है। वो हमें वो सर्विस देते हैं, वो हमें कुछ क्वालिटी ऑफर करते हैं, वो हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे, वो ऐसे ही हम हमारे साथ रखेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, उसमें बढ़ोतरी करेंगे, हमारी क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे और हमारे आने वाले पीढ़ी को ये आपकी जो धरोहर है, ये जो हमें हमने आप हमारे लाइफ में आपने जो हमें अच्छी सीख दी है गुरुजी, वो हम अगली पीढ़ी को भी सौंपेंगे। देखो जब मम्मी घर पे रहती है, हमारे बड़े भाई रहते हैं या फिर बड़ी दीदी रहती है, तो हमारे जो बड़े होते हैं, देखो वो कैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो एक आइडियल रहते हैं ना, तो हमें उनका एग्जाम्पल भी देते। वैसे ही हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हम भी एक एग्जाम्पल की तरह उनके सामने प्रस्तुत होंगे और उनके सामने एक आदर्श निर्माण करेंगे। तो ये थी बच्चों आज की पोएम, आम्ही चालौहा पुढ़े वारसा। बहुत ही अच्छी सी पोएम थी जहाँ पे हमें हमारे गुरु का जो महत्व है हमारी लाइफ में वो कवि ने बताया है। तो आप भी प्रॉमिस करो कि आप भी अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करोगे, कभी कभी थोड़ी सी शैतानी अलाउड है, बट फिर भी जो अच्छी क्वालिटी है, जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो आप इम्प्रूव करोगे और आपका, आपके माता पिता का और आपके टीचर्स का नाम रोशन करोगे। तो बाय एवरीवन।